शक्ति शक्ति वान है, शक्ति सबका सार है, शक्ति गुरु की भक्ति में, शक्ति करें विचार है, शक्ति में नहीं निबलता, नहीं वहां अबला होए। शक्ति में शक्ति रहे, नहीं वहां अबला होए। पदन रूप जल में रहे, नहीं व्यापे संसार। क्षीर नीर करे पिए यमी रस धार, राधा स्वामी की दया से भक्ति पदार्थ पाए। शक्ति में शक्ति रहे, शक्ति पाप हर साए। राधा स्वामी की दया से भक्ति पदार्थ पाए। शक्ति में शक्ति रहे, शक्ति पाए हर साए। जग की आशा त्याग कर, कर सतगुरु की आस। शक्ति शक्तिवान है, क्यों होए वह निराश। राधा स्वामी, अशोक ने एक शब्द गाया कि हमारे अवगण ना देखो, आप तो समदर्शी हो। मुझे याद आया कि जब विवेकानंद जी थे, उनको जयपुर के राजे ने अपने आमंत्रित किया दरबार में, विवेकानंद जी को। वहाँ राजे संतों का बड़ा कदर किया करते थे। तो जब वहाँ महफल लग गई, सब वजीर बैठ गए, तो राजा ने नाचने वालों को बुलाया हुआ था, नाचने वालियों को भी बुलाया हुआ था। राजा लोग थे ना, तो एक जो नाचने वाले थे उसने नाचना शुरू किया। अब विवेकानंद जी तो सन्यासी थे, तो ऐसी चीज़ों को देख के खुश नहीं थे। जब वो नाच रही थी तो विवेकानंद का मन विचलित हो गया, उठ के चल पड़े। उस वेश्या ने नाचते नाचते ये शब्द गाया जो ये मेरे बेटे ने गाया है कि तुम तो समदर्शी हो प्रभु, मेरे अवगुण क्यों देखते हो। आप समदर्शी हो, संत हो, आपकी आपकी नज़र में तो कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। आप क्यों उठ के चले गए, मेरे अवगुण मत देखो, आप तो माफ़ करने वाले हैं, आप तो प्रभु हैं। तो विवेकानंद जी ये बात सुनकर बैठ गए। विवेकानंद जी को ज्ञान हुआ, किससे? उस नाचने वाले से। और उसका अहम टूट गया। विवेकानंद को हो, मैं तो अपने आप को बड़ा समझता था, ये तो मेरे से भी आगे निकल गए। जिसके मन में द्वेष ही नहीं है, जिसके मन में कोई ऐसी बात नहीं है, तो कोई भी दुनिया में बुरा नहीं है, दुनिया में कोई बुरा नहीं है। पहली बात तो मुझे बहुत याद आ गई, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। अब मैं असली बात पर आता हूँ। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जब तक आशा तब तक बादशाह, जब तक आश है तब तक श्वास है। ये उनकी बात कही हुई। अंग्रेजी में इसको कहा गया है होप सस्टेन्स लाइफ, आशा ही जिंदगी का सहारा है। आशा के बगैर जिंदगी, जब आशा खत्म हो गई जिंदगी खत्म हो गई, आदमी में निराशा आ गई जिंदगी खत्म हो गई। ये बात संतों ने भी कही है और अंग्रेजी जानने वालों ने भी ये बात कही है। अब सवाल पैदा हो गया कि
आशा किस चीज की होनी चाहिए, कौन सी आशा। अब हम संसारी लोग हैं, हमारी तो आशाओं का पता नहीं लगता कितनी है, एक आशा पूरी हुई दूसरी, एक दूसरी आशा पूरी तीसरी, जब तक सांस है एक आश नहीं है, हजारों आशाएं हैं, हजारों आशाओं ने हमें घेरा हुआ है और उसके कारण हमें चैन नहीं आती। तो दाता दयाल जी महाराज एक शब्द लिखते हैं जिसमें बहुत प्यारी उन्होंने बात कही है कि तुम किसकी आश करो। देखो मैं यहाँ अभी भी कह रहा था कि हमारे शरीर को क्या चाहिए, हमारे शरीर की जरूरतें क्या हैं, भोजन चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, प्यास के लिए पानी चाहिए, तभी हमारा शरीर चलेगा। सर्दी आ गई तो सर्दी के कपड़े चाहिए, गर्मी आ गई तो गर्मी के कपड़े चाहिए, बारिश है तो उसे ढकने के लिए मकान चाहिए, यही चीज़ें चाहिए ना, और शरीर तंदुरुस्ती चाहिए, यही हमारी आश है, सबसे बड़ी तो बात ये है। दूसरा हमारा मन है, मन इतना चंचल है जब तक आप इसको सहारा नहीं देंगे, कोई ना कोई सहारा नहीं देंगे, ये ठहरेगा नहीं, ये नहीं ठहर सकता। तो सहारा जो संत देते हैं वो सहारा सबसे बड़ा है। तो वो सहारे कैसे हैं, कई मैंने कहानियां पढ़ी हुई हैं कि किसी आदमी ने दुखी होकर भगवान की बड़ी बहुत ही भक्ति की, भक्ति की, तो उनकी इच्छा के मुताबिक कोई चीज़ पैदा हुई उसके सामने, तो लो भाई ये तुम्हें चीज़ दे दी, तेरी सारी आशाएं पूरी करेगा, तेरी कोई आशा नहीं रहेगी। तो वो जो चीज़ उत्पन्न हुई उसके साथ चल पड़ी, उसने कहा देख भाई तूने मुझे बुलाया है, तुमने ये कहा कि तुम्हारे सारे काम मैं करूं, मैं सब काम करूंगा, लेकिन जब तेरे सारे काम खत्म हो गए और काम तेरा ना रहा तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ये उसने कहा। उसने कहा बड़ी मौज लगी, मेरे को कम ही पड़े हैं, मैं तो बहुत कम, बहुत है मेरे को, जिम्मेदारी का काम है, पशुओं का काम है, घर का काम है। तो उसने उसको कहना चलो आप खेती बात करके आओ, ट्रक करके आ जाना, पशुओं को पट्ठे डाले डाल दिए, गाय भैंस का दूध निकालो निकाल दिया, सब काम कर दिए, तो उसने आपके खड़े हो जाना, बताओ और काम। मैंने कहा वो तो काम ही कोई नहीं रहा, और क्या काम बताओ। अच्छा ठहर मैं आता हूँ गुरु जी के पास, उसी महात्मा के पास गया जिसके जिसने कहा था कि तुम ये करो। कहता महाराज मुझे बचाओ, वो तो मेरे पीछे पड़ गया, करके काम नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो कहते देख ऐसा कर, अपने घर में एक बांस खड़ा कर दे लंबा, और जब काम खत्म हो जाए उसको कह तू ऊपर चढ़ नीचे आ, ऊपर चढ़ नीचे आ, ये वही काम करता रहेगा तो बच जाएगा। बात आप समझ गए, जब काम आ गया तो उसको कहना काम कर, नहीं है तो ये काम कर, ये भी मेरा काम है। तो मन को कंट्रोल करने का तरीका संत बताते हैं, दाता दयाल जी महाराज एक शब्द लिखते हैं, आज कर गुरु की दया की हो न तू निराश कभी, शब्द निकालो दाता दयाल जी महाराज का। हमारा सहारा क्या है, इंसान का सबसे सहारा बड़ा क्या है, आशा के बगैर तो हम रह नहीं सकते। अपने आप को पूछो कौन है आशा के बगैर, क्या संत कोई आशा के बगैर है, क्या कोई महापुरुष आशा के बगैर रहा है, सबकी आशा है, किसी को उसके मिलने की आशा है, किसी को दुनिया की चीजों की आशा है, किसी को सुख शांति की आशा है, किसी को रोटी की लगी हुई है, किसी को पानी की लगी हुई है, सब दौड़ लगी हुई है ना। तो संतों ने हमें क्या कहा, संत महाराज ने क्या कहा, दाता दयाल जी महाराज ने क्या कहा, सतगुरु बाबा फकीर जी ने मुझे क्या कहा, मैं तो उसको मानता हूँ जो संतों ने कहा। अब सुनो मैं आपके लिए सुना रहा हूँ, ए उनकी आशा करने से क्या होगा, होगा क्या, तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। क्या कहा मैंने बलबीर, जब तुम्हें गुरु की आश हो गई, जब उस पर तुमने सब कुछ छोड़ दिया तो तुम्हारी सभी आशाएं पूरी हो जाएंगी। इसको करके देखो, आजमा के देखो, ये कहने वाली बात नहीं है, बोलो। आस कर गुरु की दया की हो निराश ना तो कभी। अब वो कहते तू कभी निराश मत हो, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा काम नहीं हुआ
तो भगवान को ही दोष देने के लग जाते हैं, तो मेरी किस्मत बुरी लिख दी। हम लोगों, मैंने लोगों को देखा है ऐसे बात करते हुए, ओ भगवान तूने क्या कर दिया, तूने ये कर दिया। भगवान दखल नहीं देता, वो तो एक हस्ती है, वो तो एक शक्ति है, उसने हमें पूर्ण बनाकर यहाँ भेजा है। मानव दयाल जी महाराज एक संस्कृत का वाक्य कहा करते थे, उसका मतलब था कि ऐ इंसान तू पूर्ण है, तुम्हें कोई कमी नहीं है, मगर तू भूल गया, अपनी पूर्णता को भूल गया है। दुनिया में कोई ऐसी और चीज नहीं जो इंसान के मुकाबले में है। इंसान को पूर्ण बनाकर भेजा है जिसने चांद पर भी जाकर पांव रख दिया, जो मंगल पर भी जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको क्या मिला है, उसको पांच कर्म इंद्रियां मिली हैं। किसी और को पांच कर्म इंद्रियां नहीं मिली, ना किसी पक्षी को, ना किसी जीव को, ना किसी जंतु को, एक इंसान है जिसको पांच कर्म इंद्रियां मिली हैं और पांच ज्ञान इंद्रियां मिली हैं। मन है, चित्त है, बुद्ध है, अहंकार है। आप तो 14 कला संपूर्ण हो, 14 कला संपूर्ण होते हो भी तुम एक आस नहीं रख सकते, भटक जाते हो। तो एक आस सबसे बड़ी क्या है, गुरु की आस। फिर निराश नहीं होना, फिर जो करिए करिए सोई भला। संतों ने कहा जो करिए सोई भला। मेरे पिता बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, अरे तुम केवल इतना ही विश्वास कर लो कि जो अब तक हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इतना ही विश्वास कर लो, तुम्हारी जिंदगी में कभी कुछ बुरा होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें विश्वास हो गया कि जो वो कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है। क्या कहा मैंने, इसलिए दाता दयाल जी महाराज क्या कहते हैं कि अगर आप आस भगवान पर, उस मालिक पर रखते हो, तो फिर निराश नहीं होना है। जो आस पूरी नहीं हुई, गुरु की आस मत छोड़ो। दुनिया की आशा पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं, लात मारो दुनिया की आशा को, लेकिन गुरु के ऊपर विश्वास और गुरु के ऊपर श्रद्धा और गुरु से प्रेम कभी मत छोड़ो, तुम्हें कभी कोई कमी नहीं रहेगी। आगे पढ़ो। आस करे गुरु की दया की, हो निराश ना तो कभी, जो निराश हुआ समझ ले गुरु का दास ना तो कभी। हाँ, ये कसौटी है, मैंने देखा है, नाम भी लिया हुआ है लोगों ने, गुरु भी धारण किए हुए हैं, फिर भी देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर मत्था टेकते हैं, भटके हुए हैं, इधर उधर जा रहे हैं। उनको विश्वास ही नहीं आया, उनको उनकी श्रद्धा ही पैदा नहीं हुई, इसलिए वो न घर के न घाट के। दाता मेरे कहा करते थे परमदयाल जी महाराज, फिर क्या उनका हाल हो जाता है, कुत्ते जैसा, जैसा धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता घाट से घर जाता है कि मैं वहां जाके रोटी खाऊंगा, और धोबी की रोटी वहां पहुंच गई तो वो घर से भी नहीं मिली, वहां गया तो धोबी ने भी खा ली, दोनों तरफ से रह गया। मेरी बात समझ गए, इसलिए ठहर जाओ, मन को कहां लगाओ। जैसे मैंने बताया कि जब फ्री हो गया तो इसको उस डंडे के ऊपर चढ़ा दो, वो डंडा कौन सा, गुरु की आशा का, गुरु के विश्वास का, बस वो ही तुम्हें तार देगा। आगे पढ़ो। जग के फंदों में पड़ा, समझा नहीं उपदेश को। अब दाता दयाल कहते हैं कि ऐ इंसान तू जगत के धंधों में पड़ा हुआ है, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरा वो काम, ये जगत के धंधे ही हैं और क्या है, घर गृहस्थ के धंधे ही हैं और क्या है, जबकि वो हो जाने हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको विदाउट पर्पज मालिक ने यहाँ भेजा है। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, वहां बैठे होते थे हम लोग, कहना बेटा इस संसार में कोई चीज ऐसी पैदा नहीं हुई जिसका कोई मतलब नहीं है। हर चीज जहाँ इस पृथ्वी पर कुदरत ने किसी खास काम के लिए भेजी है, चाहे वो जड़ी है, बूटी है, रक्त है,
पशु है, पक्षी है, जीव है, जंतु है, इंसान है, उन सब का काम निर्णय पहले ही किया हुआ है। उन्होंने अंग्रेजी का शब्द यूज किया था, एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड, एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड, किस्मत में लिखा ही हुआ है, ऐसा ही होगा। और कहा करते थे, मेरे पास तो केवल वो ही आएगा जिसका जन्म आखिरी हो गया है, ऐसा भी कभी कभी महाराज कह कर दिया करते थे। तो इसलिए क्या कहा है, ऐ इंसान तू जगत के धंधे में ज्यादा मत जा, जब तुम्हें गुरु पर विश्वास हो गया, उनकी आशा पर विश्वास हो गया, फिर आंख बंद करके चुप होके बैठ जा, जो करिए सोई भला, यही लिखा दादा दयाल जी महाराज ने। फिर पढ़ो यही लाइन, जग के फंदों में पड़ा समझा नहीं उपदेश को। उपदेश क्या है, उप मैंने होता नजदीक बैठना, उपदेश का मतलब नजदीक बैठकर जो बात किसी महापुरुष ने कही है उसको तुमने नहीं समझा, ये दाता दयाल कहते हैं। उपदेश किस बात का, उपदेश क्यों दिया जाता है, कि तुम्हारे मन के भ्रम दूर हो जाए, तुम्हारे मन की चिंताएं दूर हो जाए। जिस बात से तुम्हारी चिंता दूर हो जाए, जिस बात से तुम्हारे मन की चंचलता ठहर जाए, उसको उपदेश कहते हैं। उपदेश का मतलब ये नहीं है कि लंगर लगाओ, वो उपदेश नहीं है। इस उपदेश वो नहीं है कि मिट्टी उठाओ तो ये काम करो वो काम करो, वो सेवा है। उपदेश और चीज है, उपदेश से इंसान की जिंदगी को रहने जीने का राज मिलता है, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में जीवन को कैसे गुजारना है, वो उपदेश से प्राप्त होता है। और उपदेश सत्संग में मिलता है, बाहर की महफिल में नहीं मिलता। आगे पढ़ो, जग के फंदों में पड़ा समझा नहीं उपदेश को, तज के पृथ्वी को चढ़ा प्यारे काया काश न तू कभी। अब दूसरी बात कहते हैं कि तू कभी प्यारे पृथ्वी को छोड़कर आकाश नहीं चढ़ा। अब दुनिया आम लोग ये समझेंगे कि दाता दयाल ने ये कहा कि ये दुनिया छोड़ो तो आकाश में चले जाओ, ये बात नहीं है। आम साधारण आदमी ये समझेगा, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी हमारा शरीर है, ये पांच तत्व का बना हुआ है। आकाश कहाँ है, आकाश ये है, ये आकाश है जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, या दूसरे शब्दों में आकाश तत्व हमारे यहाँ है, यहाँ ये आकाश तत्व है। ब्रह्मा हमारे कहाँ रहता है, ये तो मैं कई दफा कह चुका हूँ, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि सारे देवी देवता हमारे शरीर में हैं, क्योंकि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। तो हमारा आकाश क्या, ब्रह्मांड में आकाश है, इस संसार में आकाश ऊपर है, ये पृथ्वी है, ऐसे ही ये नीचे हमारे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, और आकाश ऊपर जाकर यहाँ आता है। तो वो कहते कभी तू नीचे से इंद्रियों से कभी अंदर जाने की कोशिश की है, तूने कभी सोचा ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ, नहीं हूँ। आंखें बंद करके कभी सोचा नहीं कि यहाँ भी कुछ है मेरे अंदर, यहाँ से ऊपर भी है कुछ, ये दिमाग में क्या क्या है, वहाँ से क्या क्या उतरता है नीचे को, जो कुछ भी तुम्हारी घटना होती है वो सब यहाँ से आती है। ये हमारा जो मस्तिष्क है इसके दो भाग हैं, एक ये भाग है एक ये भाग है। ये भाग भूरे रंग का है, यहाँ यहाँ हमारा जो जिस मस्तिष्क है ये भूरे रंग का है, और ये जो है ऊपर वाला ये सफेद रंग का है। ये मैंने खोपड़ी देखी है लाहौर या अमृतसर के मेडिकल हॉस्पिटल में, ये जो सफेद जगह है यहाँ हमारी आत्मा हमारी सुत रहती है, और यहाँ हमारा मन रहता है, मन यहाँ से चलता है, या सतलोक से पहले भंवर गुफा तक मन जाता है। तो वो कहते तूने कभी यहाँ से नीचे से आंखों से ऊपर गया ही नहीं है, ये नीचे सारा संसार है और ऊपर सारा परमार्थ है। तो दाता दयाल जी महाराज जी हमें उलाना दे रहे हैं, उलाना जानते हैं ना, कि तू कभी थल्ले ऊपर गया ही नहीं तो तेरे को कैसे पता चलेगा तू कौन है, गुरु कहाँ रहता है,
गुरु का उपदेश क्या करता है तुम्हें नहीं पता चलेगा, फिर पढ़ो यही लाइन, बहुत ऊंची लाइन है। जदि के फंदों में पड़ा समझा नहीं उपदेश को, तज के पृथ्वी को चढ़ा प्यारे काया आकाश न तो कभी याद नहीं गया। इसलिए दाता दयाल जी ने एक और शब्द लिखा है, तुम उल्ट चलो आसमान नीचे क्यों रहना, ये आसमान है उल्ट को चलता है, चलना है ऊपर चलना है। तो ये काम कब करोगे, जब उपदेश को समझ लोगे। जब तुम नीचे आओगे तो तुम चिंता में पड़ोगे पड़ोगे पड़ोगे, तुम्हें दुनिया के दुख सताएंगे, तुम्हें मन की चंचलता तंग करेगी। लेकिन जब आप गुरु की बात को मानकर यहाँ बैठोगे, तुम्हें अंदर से ही सहारा मिलेगा, तुम्हें अंदर से ही हौसला मिलेगा, तुम्हें अंदर से ही बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त होगी और तुम दुनिया के झंझटों से ऊपर उतर जाओगे कि जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, बस बात खत्म हो गई। जब तुमने ये विश्वास कर लिया कि जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, तुम्हारा बुरा हो ही नहीं सकता। ये नोट कर लो, ये संतों की वाणी में कह रहा हूं, आगे पढ़ो। माया छाया एक है दोनों में सारे की गम का। दूसरी बात बहुत एक बहुत बढ़िया बात दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं, दो चीजें हैं संसार में, एक है माया और एक है छाया। माया क्या है, माया है विचार, माया है ख्याल, माया है कल्पना, माया है आशाएं, माया है वासना। थोड़ा सा पानी पिलाएंगे। जो कुछ भी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक घूंट पानी पी लो जरा, कैसे आ रहे। आप लोगों ने मकान बनाना है, आपको मिसाल देता हूं, आप लोगों ने मकान बनाना है, पहले जमाना और था, अब जमाना और हो गया। पहले भी बुजुर्ग बताते थे कि मकान ऐसे बनाओ भाई, पैंच का आ गई है भाई, अब जमीन को नहीं खोदना, ऐसे नहीं, जमीन सोती है, जमीन भी सोती है, वृक्ष भी सोते हैं, सब सोते हैं, पानी भी सोता है। मुझे याद आए कहा, आप बड़े हो सोच कर हैरान हो जाएंगे, बाद में ख्याल आ गया, मैं रामपुर विशाल जब गया तो वहां लोग बहुत सिंपल होते थे, पहाड़ों के लोग बहुत सिंपल होते थे, वहां बाकी सब कुछ पैदा करते हैं लेकिन नमक नहीं पैदा होता उनके, नमक नहीं पैदा होता। तो उन्होंने एक बार, वहां की कहानियां सुनाता हूँ जो वहां लोगों ने मुझे बताई, रामपुर विशाल में हम निकल जाते थे पहाड़ में, तो कहते जी नीचे से आते थे खचरों पर नमक आता था, तो हमने सोचा जी इतनी दूर से लेकर आते हैं, हमें अपने खेतों में क्यों ना बीज दे इसको, तो खेतों में नमक बीज दिया, वहां कुछ भी पैदा नहीं हुआ। बाद में किसी ने कहा तुम मूर्ख हो, ये नमक यहाँ जमीन में नहीं पैदा होता, ये पहाड़ों में होता है। फिर एक बात उसने और सुनाई, कहते शादी होनी थी तो दूर जाना था, तो शाम को जाना था, तो लोगों ने सोचा बेड़ी बेड़ी पर काहे को खर्च करना, इतने आदमी है, बेड़ियां लो जी दरिया पार करना है, रात को दरिया सो जाता है, पानी सो जाता है, रात को निकल जाना हमने दरिया के ऊपर से। ये भी कहानी सुनाई वहां मनु लोगों ने, तो बरात के जितने भी 15-20 आदमी से चल पड़े, जैसे जैसे चलते गए पीछे तो नजर नहीं आ रहा है, सब डूबते गए डूबते गए, सारी बरात ही डूब गई पानी में। इतने सिंपल थे लोग कि पानी भी सो जाता है, रात को हम निकल जाएंगे। आज तो बहुत इंसान ऊपर चला गया, ये मैं आपको आज से 100 साल से ज्यादा देर पहले की बात बता रहा हूं। अब ये क्या कहते हैं दाता दयाल, वो लाइन फिर पढ़ो। माया छाया एक है, माया है ख्याल है, माया क्या ख्याल है। तुमने मकान बनाना आजकल, पहले किसी आप जेई के पास जाओगे जो इंजीनियर होते हैं कि हमने मकान बनाना, ये नक्शा बना दो, शहरों में तो नक्शा पास ना हो तो मकान नहीं बन सकता,
फिर वो नक्शा जाएगा कमेटी में, फिर वो पास होगा, फिर उसके मुताबिक तुम मकान बनाओगे। तुम्हारे मकान का इंजीनियर ने अपने दिमाग में नक्शा पहले बनाया, वो माया है, बात समझ रहे हो? इंजीनियर ने अपने दिमाग में ख्याल को पैदा किया कि दीवारें ऐसी होनी चाहिए, दरवाजे ऐसे होने चाहिए, खिड़कियां ऐसी होनी चाहिए, ये खिड़की ये जो सीढ़ी है ऊपर ऐसे जानी चाहिए, तो सारा वो बनाता है मन में, फिर वो उसको कागज पर लाता है, कागज पर लाने के बाद फिर वो मकान बनता है। तो जो मकान बना तो वो क्या है, उस इंजीनियर की माया की छाया है। क्या कहा मैंने, जो चीज पहले मन में आई फिर उसने रूप धारण कर लिया, जो रूप बना वो छाया है, जो मन की ख्याल है वो माया है। तो दाता दयाल जी महाराज कहते हैं ना माया रहेगी ना छाया रहेगी। क्या कहा मैंने, दुनिया बदल रही है, आज से 1962 से पहले यहाँ जमीन में क्या था, यहाँ मैं देखता था जब कॉलेज में पढ़ते थे, ये खेत थे जहाँ गोभी के इतने इतने फूल लगते थे और गोभी तुलती नहीं थी। मंडी में जाओ लाला जी कितने का, 8 आने का, गोभी को कोई तोलता नहीं था, ये संतरे भी नहीं कोई तोलता था, सब गिन कर बात होती थी। क्या कहा मैं, और आज यहाँ बाबा फकीर की दया से क्या हो गया, और 100 साल के बाद क्या होगा, हर चीज बदलती है। तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, पढ़ो, माया छाया एक है दोनों में सार की गम का। उसमें सार है क्या, उसमें हकीकत क्या, पहली बात और बता। तो एक दिन आदमी एक मेरे पास मिलने के लिए आया, मेरे बेटे ने मकान नया बनाया, बहुत अच्छा बनाया। मैं कहा हाँ मकान तो बहुत ठीक है, जैसा जैसे बच्चे ने चाहा बना लिया, पर मेरा असली मकान क्या है, मेरा मकान क्या, मेरा अपना मकान, मेरा ये मकान है, ये महल है, ये है असली हमारी रहाइश, अगर ये ना रहा तो महल क्या करेगा। मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूं, ये है, तुम इसमें रहते हो, वो सुख देने के लिए है और ये तुम्हारा सुख लेने के लिए है। इसको समझो, दोनों बातों को समझो, पहले इस महल की ख्याल करो, अगर ये महल ठीक है तो वो महल भी सुख देगा, अगर ये महल में सुख नहीं है तो वो महल भी सुख नहीं देगा। अगर इस महल को रखते हुए रात को नींद ही नहीं आ रही, गोली खाते हो, तो फिर ये महल आपकी क्या मदद करेगा, फिर सो जा, ये लोरी देगा, ये कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारे इस महल ने तुम्हारा साथ देना है, ये है महल। इसलिए कबीर साहब ने लिख दिया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, तुम इस महल में रहने वाले हो, ये दुनिया के महल तो तुम्हारे लिए मालिक ने एक वरदान दिया है कि ले बच्चा तेरे लिए, ये भी सुख तेरे को, ये भी सुख तेरे को, ये भी सुख तेरे को, लेकिन इस सिख को लेके लेते हुए इसको नहीं भूलना, ये तेरा महल है। क्या कहा मैंने, तो माया और छाया का मैंने आपको भेद बता दिया, आगे बढ़ो। यह समझ आ जाएगा, यह समझ आ जाए होगा, फिर उदास ना तो कभी। अब दाता दयाल कहते हैं, अगर तुम्हें ये बात पता चल गई कि ये सब कुछ भी नहीं बदलने वाला है, तो तू उदास कभी नहीं होगा। उदास हम कब होते हैं, जब हम फील करते हैं कि हाय मेरा ये भी खो गया, हाय मेरा ये भी खो गया, हाय मेरा नुकसान हो गया, हाय मेरा बिजनेस फेल हो गया, हाय मेरे मुंडे मेरे पैसे नहीं भेजते, क्या काम मैंने, या मेरी औरत कहने नहीं लगती, या ये हो गया, हम उदास हो जाते हैं। वक्त की चाल है, ये सारी वक्त की चाल है, ये वक्त बदलता रहता है, तुम्हारी जिंदगी बदलती रहती है, पल पल तुम्हारे अंदर तब्दीली हो रही है, तुम इस चीज को फील नहीं करते। दिन को शरीर के सेल टूट जाते हैं, रात को आराम करते वो सेल फिर दोबारा बन जाते हैं, ये टूट रहे हैं, बन रहे हैं, अंदर सब कुछ हो रहा है, तुम्हें नहीं इस बात का ज्ञान है। इसलिए दाता दयाल कहते हैं
फिर पढ़ो यही लाइन दोबारा पढ़ो। यह समझिया जाए होगा फिर उदास ना तू कभी। अब कौन नहीं उदास होगा, कौन नहीं उदास होगा? तुम्हारे अंदर जो बैठा हुआ है वो उदास नहीं होगा। तुम्हारा मन तो तुम्हें तंग करेगा ही करेगा, क्योंकि मन माया है। मन ने ख्याल पैदा करना ही है, मन ने मेरा तेरा पैदा करना ही है, मन ने सुख दुख को महसूस करना ही है। लेकिन वो जो तुम हो, तुम कभी उदास नहीं होगे। तुम्हें पता लग गया कि मैं कौन हूँ, मैं माल के कुल की अंश हूँ, इसलिए मेरे सिर पर वो मेरा साई है। ये विश्वास अटल कर लो, तुम्हारी जिंदगी अपने आप सफल हो जाएगा, बढ़िया सफर निकल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। समझे मेरी बात को? कबीर साहब का शब्द है, मैं उसको बहुत बार गाया करता हूँ, मेरे सतगुरु पकड़ी बा नहीं तो मैं बह जाता। मैं खुद मैं कई दफा महसूस करता हूँ अकेले, और मैं उस मालिक का, उस परम पिता बाबा फकीर का धन्यवाद करता रहता हूँ। ऐ दाता अगर तू मुझे ना मिलता तो मेरा पता नहीं क्या हाल होता, आज तक शायद शरीर की हड्डियां भी ना होती। ये तो आपने मेरी बाँह पकड़ ली, मेरी जिंदगी को बना दिया, मेरा स्वर्ग यही है, मेरा नर्क नहीं खत्म हो गया, यहाँ भी स्वर्ग है, तो आगे तो स्वर्ग का ख्याल ही नहीं आता। जहाँ से आए थे उसी में जाकर विलीन हो जाना, कहाँ नर्क कहाँ। अरे गुरु के शिष्य के लिए कोई नर्क स्वर्ग नहीं है, नर्क स्वर्ग जिन उनके लिए जो मनमुख है। गुरुमुख के लिए कोई नर्क नहीं है, गुरुमुख के लिए कोई स्वर्ग नहीं है, केवल मनमुख के लिए सब कुछ है। मनमुख के लिए धर्मराज भी है, मनमुख के लिए यमराज भी है। जिसने गुरु की बात पकड़ ली, दाता दयाल ने लिखा परम दयाल जी महाराज को, तीन ताप से जीव दुखी है निबल अबल ज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान देवा। तू तो आया नरदेही में धर फकीर का भेषा, किस लिए आया, किस लिए आया? दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। उनका अंग क्या है? उनकी वाणी, उनका वचन, जो मुझे कहा मैं उस अंग को मुझे उन्होंने पकड़ाया हुआ है। तो जब अंग मैंने पकड़ लिया, जब अंग उन्होंने मुझे दे दिया, पकड़ा नहीं जाता, अंग पकड़ा नहीं जाता। एक बात और सुना देता हूं, कोई गुरु और शिष्य दरिया पार कर रहे हैं, बेड़ी नहीं है, छोटा दरिया है। तो गुरु जी कहते, बेटा मेरी बाजू पकड़ ले, मेरा बाजू पकड़ ले, दरिया पार करना है। तो वो पकड़े नहीं, वो बच्चा, वो गुरुमुख, गुरु का प्यारा बाजू नहीं पकड़ रहा, चुप करके चला जा रहा है पीछे पीछे। फिर कहते, बच्चा मेरा बाजू पकड़ ले। कहते, महाराज जी मेरे को हौसला नहीं पड़ता मैं आपका हाथ पकड़ लूं, मुझे क्या पता मैं कब छोड़ दूं आपका हाथ, कृपा करके आप ही पकड़ लो। आप नहीं मेरा हाथ छोड़ेंगे, हो सकता है मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूं, मैं पानी में बह जाऊंगा। गुरु जी आप ही मेरी बाँह पकड़ लो, मैं, मेरी ताकत नहीं है कि मैं आपकी बाँह पकड़ लूं। गुरु तुम्हारी बाँह पकड़ ले बच्चों, फिर तुम्हें कोई दरिया नहीं रोक सकता है। हम गुरु को बाँह नहीं देते, बाँह क्या है, अपने आप को समर्पित नहीं करते हम गुरु की बाँह। गुरु को कहते तुम हमें आशीर्वाद दे दो, हम मांगते हैं, गुरु तो खुद कहता है बच्चा बाँह पकड़ ले, बाँह पकड़ ले, बाँह पकड़ ले, बाँह पकड़ ले, तुम पकड़ा दो बाँह, पकड़ा दो, वो खुद ही पकड़ लेगा। क्या कहा मैंने? इसलिए मैं कबीर साहब का वो शब्द बार बार कहता हूँ, मेरे सतगुरु पकड़ी बाँह नहीं तो मैं सुना दो, अगर सुना सकते हो तो शब्द बहुत प्यारा शब्द कबीर साहब का, निकालोगे? एक मिनट आपको शब्द सुना ही देता हूँ, मौज आ रही है, मौज आ रही है, दोनों में देख लो।
बेटा तू दूसरा देख ला। मिल गया, मैं निकाल दूं। निकल दे। आप पढ़ो अशोक, पढ़ोगे? मिल गया कि नहीं? मिल गया। पढ़ो, सुनाओ, प्रेम से पढ़ो। जरा शब्द मैं गुरु की महिमा बताने लगा हूं आपको। दाता दयाल पद्म दयाल जी महाराज का दरबार है। गुरु करता क्या है? गुरु खेल खेल देता है और तुम्हें पता भी नहीं लगता। पढ़ो बेटा। मेरे सतगुरु पकड़ी बा नहीं तो मैं बह जाता। मेरे सतगुरु पकड़ी बा नहीं तो मैं बह जाता। कर्म काट को ला किया। मुझे इस शब्द को गाने में बड़ा आनंद आता है। हालांकि मेरा गला इतना ठीक है, मैं पढ़ूंगा, कोई बात नहीं। मैं सुनाता हूं, मैं ये शब्द मेरी जिंदगी का आधार है। ये शब्द मेरी जिंदगी का आधार है और इसमें मेरे सदगुरु का प्यार है, उनका आशीर्वाद है। वो क्या कहते हैं? मेरे सतगुरु पकड़ी पा, मेरे सतगुरु पकड़ी पा नहीं तो मैं बह जाता। मेरे सतगुरु पकड़ी बा नहीं तो मैं बह जाता। क्या करते गुरु आगे? कर्म काट कोयला किया। कर्म काट लिए, कर्म काट कोयला किया। ब्रह्म अग्नि परिवार। कर्म कैसे कटे? ब्रह्म में पहुंचा दिया। ब्रह्म क्या है? प्रकाश। जो इंसान अपने अंदर प्रकाश में चला जाता है उसके कर्म कट जाते हैं। क्या कहा दाता, मैं क्या कह रहा हूं सुनिए आप। कर्म काट कोयला किया, ब्रह्म अग्नि परिचार। लोभ मोह ब्रह्म जारिया, सतगुरु बड़े दया। लोभ मोह ब्रह्म जारिया, सतगुरु बड़े दया। सतगुरु इतनी दया करते हैं, वो क्या क्या खत्म कर देते हैं? लोभ भी खत्म बता देते हैं। लोभ का मतलब क्या है, मोह क्या है, भ्रम क्या है, उनको जला देते हैं। असलियत बच्चा ये नहीं, ये है। क्या तू और है, मन और है, शरीर और है, तू इन तीनों में रहने वाला है। ये है भ्रम को दूर करना। क्या कहा मैंने? आगे क्या कहते हैं? काग से हंसा किया। काग कौवे को हंस बना दिया। आहा, ये गुरु की कृपा होती है। कागा से हंसा किया, जाति वर्ण सब खोए। कागा से हंसा किया, जाति वर्ण सब खोए। दया दृष्टि से सहज में पातक डाले धोए। जन्म मरण जाति पाति धर्म कर्म सब खत्म कर दिए। सब पातक, पातक होते कपड़े, धो दिए। किसके? मन के। किसके? चंचलता के। किसके? मन के ख्यालों के। मन के ख्यालों में जितने भी संस्कार थे उन सबको धो डाल दिया और ब्रह्म बना दिया। ब्रह्म क्या है?
प्रकाश में रहने वाले को ब्रह्म कहते हैं। ब्राह्मण वो नहीं है जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, जिसने भी अपने आप को गुरु की सहायता से उस प्रकाश में पहुंचा दिया गुरु ने, उसकी कोई जाति नहीं रहती है। इसलिए कहा गया कागा से हंसा किया। क्या कहा मैंने? दया दृष्टि से सहज में पालक डाले धोए। आप आगे सुनो क्या कहते। अज्ञानी भटकत फिरे, अज्ञानी भटकत फिरे, जाति वर्ण अभिमान। अज्ञानी भटकत फिरे, अज्ञानी भटकत फिरे, जाति वर्ण अभिमान। सतगुरु शब्द सुनाया, सतगुरु शब्द सुनाया, भनक पड़ी मेरे कान। मेरे सतगुरु पकड़ी बां, नहीं तो मैं बह जाता। सतगुरु कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया अज्ञानी लोग कहते हैं तेरा वर्ण क्या, तेरी जात क्या, तेरा धर्म किया। मैं पूछता हूं जन्म से पहले किसी को पूछे तो तुम कौन थे और मरने के बाद तुम क्या होगे। ये बीच का झगड़ा बना लिया हमने। किसने बनाया किसने बनाया? स्वार्थी लोगों ने, जो हमें लूटना चाहते हैं धर्म के नाम पर, जो हमें लूटना चाहते हैं किसी और के नाम पर, जो हमें लूटना चाहते हैं भगवान के नाम पर, जिसको किसी ने देखा नहीं आज तक कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। इसलिए सारे भ्रम दूर कर दिए मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने। और आगे क्या कहते हैं मैं तुम्हें सुना दिया, आगे दो लाइनें सुन लो। माया ममता तज गई। माया किसकी? ममता की। माया हम ममता किसके साथ है हमारी? हमारा मोह किसके साथ है? हमारा प्यार किसके साथ है? अपने ख्यालों के साथ। ख्याल अच्छा आ गया खुश हो गए, ख्याल बुरा आ गया दुखी हो गए। कहते तुम्हारा जो ममता है, तुम्हारा जो प्यार है, वो ममता जो है वो तुम्हारे अपने ख्याल से है, तुम्हारी अपनी वासना से है, तुम्हारी अपनी कामना से है, वो खत्म कर दी, कोई कुछ नहीं रहा। क्या कहा दाता दर्शकर साहब ने? माया ममता तज गई, विषया नहीं समाए। अब कोई ख्याल नहीं रहा। मैं आपको अपनी बात सुनाता हूं। कई दफा आदमी मजबूर हो जाता है। कैसे मजबूर हो जाता है मैं बताता हूँ आप। मैं अपने किसी की क्या बताऊँ, एक चार पांच दिन हो गए बहू अपनी मम्मी को लेकर आया आए तो मैं जब बहू आ जाती तब मैं चाय पीता हूँ, तो बनाते फिर तीन चारों पर इकट्ठे पीते हैं बैठकर। तो वो बेटा गया था क्योंकि वो समोसे भी ले आया साथ, चाहे बच्चे होते हैं ना, बच्चों के शौक होता है खाने पीने का। समोसे ले तो मैं बैठा हूँ बाहर बरामदे में, तो दादाजी समोसे बहुत प्यारे हैं खाइए। मैं कहा मैं नहीं खाता बेटा, मैंने नहीं खाना, मैं नहीं खाता ऐसी चीज़ें। दादाजी ऐसा करते हैं ऊपर वाला ना इसका जो हिस्सा निकाल देते हैं, आप आलू आलू खा लो। क्या कहा बच्चे हैं ना, और कई दफ़ा आप मजबूर हो जाते हैं। मैं कहा अच्छा ला मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ। वो बेटी मेरी पोती कहती दादा ये भी ले लो थोड़ा सा खटाई भी ले लो। मैं अब बच्चे क्या करूँ, खा गया मैं भी खा गया, वो तो बच्चे भी खा गए, उन्होंने तो पूरा पूरा समोसा खा लिया जो मैंने ऊपर से उतार दिया वो भी खा गए। 15 मिनट के बाद चाय पी ली। मैं क्या आज तूने अपने अंदर की जो चीज बैठी उसको गलत चीज दे दी है, अब भोगना पड़ेगा। मेरे अंदर ने मुझे बता दिया, मेरे अंदर से मुझे बता दिया कि मैंने ये गलत खाया है, लेकिन अब क्या करूं, खा लिया। दो चार छींके हैं और गुड़गुड़ होने लगी, गुड़गुड़ होने लगी, चोपड़ा साहब गुड़गुड़ होने लगी। तो मैंने कहा गैस पैदा हो गई, तो मैं गोली पड़ी सी मैंने, बहू हॉस्पिटल में आए, मैं गोली खा ली कि अब ठीक हो जाएगा।
फिर मैं कहा मैं लेट जाता हूँ थोड़ी देर। कहाँ लेटू जी? बाथरूम गया, मोशन आया, मैं कहा चल निकल गया, कोई बात नहीं, खड़ा होया। उसके बाद फिर मैं जाके लेट गया, कह नहीं अभी है अंदर, और फिर उल्टी आई, बहुत बड़ी उल्टी आई, बहू ने आई। फिर मैं तुम सखा लाया ना मैनू, ये आज देखो हाल मेरा। चलो उल्टी भी आई, फिर निकल गया, चलो ठीक होया। रात को रोटी मैं क्या मैं नहीं खानी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। चलो बहू ने थोड़े से चावल दे दिए, मैं चलो इतना दही डाल दे, इससे ज्यादा नहीं, दो चमचे खाऊंगा। अब कई दफा तुम मजबूर हो जाते हो, क्यों हुए? फिर मैं सोचा कि ये क्यों हुआ। कई दफा कुदरत जो है, कुदरत दूसरी चीज को तुम्हें खिलाती है, तुम्हारे अंदर कोई और चीज है उसको निकालने के लिए। याद रखना इस बात को, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज और है, कब पड़ी वो, कब नहीं पड़ी तुम्हें नहीं पता। तो कुदरत कोई चीज तुम्हें ऐसी खिलाएगी, जबरदस्ती खिलाएगी कि वो पहली वाली चीज को भी बाहर ले आएगी। मुझे तब तसल्ली हुई, चिंतन किया मैंने, अपने आप में बैठकर चिंतन किया। चिंतन करते 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 इस नतीजे पर पहुंचा कि शायद कोई मेरे अंदर ऐसी चीज थी, दो दिन पहले खाई होगी, तीन दिन पहले खाई होगी, जो बाहर नहीं गई, कुदरत ने उसको बाहर निकालकर मुझे निर्मल कर दिया। बात समझ गए आप? इसलिए माया ममता कभी कभी तुम्हें फंसाती है, मैं इसका इससे इनकार नहीं करता। जब तक हम शरीर में हैं, ये ममता हमें कोई ना कोई रीजन ऐसा होगा कि तुम्हें उसके मुताबिक चलना पड़ता है। क्या कहा मैंने? तो स्वामी कहते हैं कि विषय तो चले गए और कोई ख्याल नहीं है, दाल फुल्का चाहिए, अच्छा चाहिए, लस्सी का गिलास चाहिए, बस बढ़िया, फूट उठ चाहिए, थोड़ा सा खाने को मिल जाए तो बढ़िया, है ना, चार पांच बादाम या गलियाँ मिल जाए तो अमरीक से की इतराज है, ये चीजें खाने के लिए हैं, ठीक है ना। लेकिन विषय नहीं, विषय खत्म हो गया। फिर कहे कबीर सुनो भाई साधो, आखिरी लाइन कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हद तज बेहद जाए। वो कहां जाएगा? जिसको जिसने जिसकी गुरु ने बांह पकड़ ली, वो कहां जाएगा? हद तज बेहद जाए, जहां कोई हद नहीं है। हद किसकी नहीं है? शरीर की हद है, मन की भी हद है, आत्मा की भी हद है। सीमा 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 है, आत्मा की भी सीमा है, और वो जो तुम हो उसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि वो बेहद की अंश है। क्या कहा? बेअंत, तेरा राज कोई नहीं जान सका, इसलिए तुम्हारे अंदर भी बेअंत बैठा है, उसकी अंश बैठी है। वो चीज तुम्हें बताने के लिए दाता दयाल जी महाराज ने शब्द लिखा, और वो चीज बताने के लिए मुझे कबीर साहब जी महाराज का ये शब्द याद आया। ये एहसान है किसके प्रति? गुरु के प्रति। कबीर ने भी माना कि गुरु के बगैर कुछ भी नहीं है, गुरु बिना कत नहीं, शाह बिना पत नहीं। ये मेरे बचपन का विचार है, मुझे मिला हुआ। गुरु के बगैर गति नहीं है, गति मीन जन्म मरण का खत्म हो जाना। इसलिए ये शब्द मुझे मस्ती से गाना पड़ा, हालांकि मेरा गला इतना ज्यादा नहीं है, कब गाया करता था तब तो मस्ती आ जाती थी दाता के दरबार में जब गाया करता था। आगे बढ़ो। कैसे अपने रूप की आती समझ प्यारे तुझे। अब वो कहते हैं कि तूने तो कभी विश्वास ही नहीं किया, तूने कभी बाएं नहीं पकड़ी गुरु की, तूने कभी गुरु के उपदेश को माना ही नहीं, तू तो चंचलता में फंसा रहा, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, तू अपने आप को तो कभी देखा ही नहीं कि तू कौन है। पता तब लगता है जब शरीर में थोड़ा सा कष्ट पैदा होता है, जब महसूस होता है कि वो हो किसने गलती की, कौन है गलती करने वाला, मन है। मन के पीछे लगोगे दुख भी आएगा और सुख भी आएगा। मन के पीछे लगोगे तो अपना भी बनेगा, पराया भी बनेगा। जब मन से थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे,
इन चीजों का कोई काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, फिर सब एक है। फिर क्या हो जाता है? समदृष्टि प्रभु, फिर समदृष्टि हो जाता है। मेरे अवगुण चेतना धरो, तुम तो समदर्शी हो, ऐ परम पिता तुम तो समदर्शी हो, तुम्हारे में तो कोई भेद ही नहीं है, सब में तुम ही बैठे हुए हो, सब में तुम ही बैठे हुए हो। किसी को स्त्री का रूप दे दिया, किसी को मर्द का रूप दे दिया, किसी को बच्चे का रूप दे दिया, किसी को बूढ़ा बना दिया, ये सब उसी के खेल है। हमने उसको कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ये खेल क्या है। जब खेल का पता लग जाएगा कि मैं जहां कौन हूं, मैं जहां मुसाफिर हूं, मैं मुसाफिर हूं जहां का, ये नहीं देश मेरा, मेरा देश वो सतगुरु का देश है। जहां दाता दयाल ने परम दयाल जी महाराज को कहा कि तुम किसको ले जाओ, दुखियों को पकड़ कर, मैं दुखी था, मुझे अंग लगा लिया और आपकी सेवा में लगा दिया, इसी में मेरा शायद भला है, इसी में शायद मेरा कल्याण है कि मैं साफ दिल से आप लोगों की सेवा कर सकूं। आगे पढ़ो क्या कहते हैं। आपने आपको पहचानो, थोड़ा सा पूछा करो अपने आप को, ज्यादा टाइम ना दो, 5 मिनट बैठो सुबह, 5 मिनट शाम को बैठो, करो बंद आंखों को, सोचो अपने आप को, तुम कौन हो, कहां से आए, जाना कहां है, बाकी सब कुछ भूलो 5 मिनट के लिए। तुम्हें झलक मिलेगी, तुम्हें पता लगेगा कि तुम कौन हो। तुम प्रकाश रूप हो, तुम शब्द रूप हो, तुम मालिक के अंश हो, गुरु की तुम्हारे ऊपर कृपा है, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ, चरणों पर मैं पड़ा निज दास हुआ। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। कैसे अपने रूप की आती समझ प्यारे तुझे, आया बरस में पक्ष मास में, आया बरस में पक्ष मास में, गुरु के पास ना तो कभी। दादा दयाली ने उलामा दिया थोड़ा सा, उलामा जान देना, तो कहते तो कितना पता लगेगा, तुम तो ना साल चाहे ना महीने चाहे, कभी सत्संग चाहे नहीं। क्या मतलब इसका? मैं जो समझता हूँ, तुम्हारे अंदर एक बूटा, तुम्हारे अंदर एक एक पौधा है लगा हुआ, तुम्हारे अंदर एक पौधा है, उस पौधे को पानी, असली पानी जो मिलेगा बढ़ने का, वो सत्संग है। क्या कहा मैंने? तुम्हारे अंदर एक पौधा है, वो बढ़ेगा कब? बाहर की दुनिया खाने से, चीजें खाने से नहीं बढ़ेगा, बाहर की दुनिया को देखने से नहीं बढ़ेगा, बाहर की दुनिया को सुनने से नहीं बढ़ेगा, बाहर के झगड़ों में पड़ने से नहीं बढ़ेगा, वो सत्संग का, सत्संग रूपी शब्द का पानी जब उसको मिलेगा तो बढ़ेगा। अगर इसलिए संतों ने कहा कि हर हफ्ते सत्संग सुनो, नहीं मजबूरी है तो 15 दिन के बाद सुन लो, दाता ध्यान कहते हैं 15 दिन के बाद ही, तो कम से कम महीने में ही सुन लो, उस दरख्त को पानी मिल जाएगा, वो सूखेगा नहीं, वो तो तुम्हारे अंदर पौधा है, वो सूखेगा नहीं। कौन सा? सत्य का, असलियत का, हकीकत का और सच्चाई का, तीनों का पौधा तुम्हारे अंदर है, तो 6 महीने में सुन लो, उसको पानी मिलता जाएगा, साल के बाद वो मुरझा जाएगा, फिर आओगे दोबारा कुछ उसको करना पड़ेगा, उसको पानी देना पड़ेगा, लगातार पानी देना पड़ेगा। इस करके संत मत में, गुरु मत में संत की महिमा, सत्संग की महिमा, गुरु की महिमा बहुत ज्यादा है। सुना करो, जहां भी मिल जाए सत्संग मिले, सत्संग मनोरंजन नहीं, यहां सत्संग मिले, तुम्हें पता चले सत्य क्या है। सत्य वो है जो तुम्हारे अंदर हर चीज को महसूस करता है, वो सत्य है। इसलिए दादा दयाल ने अलामा कर दिया, हमें दे दिया कि तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम तो सत्संग में आते ही नहीं हो। क्या कहा? और दूसरी बात, सत्संग किसको कहते हैं? जहां कुछ मांगने मत जाओ वो सत्संग है। मैं अपने जीवन की एक ही मिसाल आपको देता हूं। मैं 18 साल की उम्र में महाराज के दरबार में आया, कभी भी कुछ भी नहीं मांगा,
कभी नहीं कहा कि महाराज जी कल मेरा पेपर है, मुझे आशीर्वाद दे दो। और मुझे पहले दिन ही विश्वास हो गया था मैनू मंगने की लोड़ ही नहीं है, जिस सतपुरुष ने मेरे सिर पर ही हाथ रख दिया मुझे क्या चाहिए। क्या कहा मैंने, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नजर करे। जब सतगुरु की नजर ही आप पर आ गई, उन्होंने तुम्हें देख ही लिया, पैरों से लेकर सिर तक, तुम्हें मांगने की जरूरत ही क्या है। करे कराबे आपे आप, मानस दे के कुछ नहीं हाथ। आगे पढ़ो। नाम से मिटते हैं संकट, नाम गुरु का मंत्र है। नाम क्या है? नाम जपने से क्या होता है? तुम्हारे कष्ट तुम्हारे फिक्र दूर हो जाते हैं। ये नाम की सबसे बड़ी महिमा है कि तुम जो ऐसे विचार करते रहते हो, हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, वो गया है, ये ना हो जाए, तुम नाम जपो, उस वक्त तुम्हारे वो ख्याल बदल जाएंगे। नाम अगर जपने मन से जपने से वो ख्याल नहीं टूटता तो आंखें खोल कर जोर जोर से नाम का सिमरन करो, जाप करो, जाप जाप करो, और लय से जाप करो। लय जानते हो, बड़े धीरे धीरे लय से जाप करो, तुम्हारा ख्याल वो बदल जाएगा, तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। क्योंकि तुम जो नाम जाप रहे हो या नाम का सिमरन कर रहे हो वो उस मालिक का है, तो जब वो तार उसके साथ मिल जाएगी तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। क्या कहा मैंने? फिर पढ़ो यही लाइन। नाम से मिटते हैं संकट, नाम गुरु का मंत्र है। ये गुरु का मंत्र है, ये गुरु ने दिया है कि बच्चा ये नाम का सिमरन करना। आगे। नाम से काटा है माया जाल फासला, जो माया जाल हमारे अंदर चलता ख्यालों का, ये कर लू वो कर लू, वो भी कट जाता है। ये सबसे पहला फायदा है नाम जपने का, कि मन में ख्याल आ रहे हैं तुमने सिमरन करना शुरू कर दिया। सिमरन नहीं बना तो जाप करना शुरू कर दिया, जाप नहीं बना तो गुरु की मूर्ति को देखना शुरू कर दो, ध्यान से उनकी आंखों में आंखें डाल दो, फिर जाप करते जाओ, जाप करते जाओ, जाप करते जाओ, तुम्हारे मन के ख्याल सभी मिट जाएंगे। आगे। अब संभल जाना विश्राम आठो याम है। कहते हैं चलो जो वक्त बीत गया सो बीत गया, अब भी ठहर जाओ। अभी भी ठहर जाओ, कुछ भी नहीं बिगड़ा। पंजाबी च कहते हैं डुल्या बेरा ना कुछ नहीं बिगड़ता, डुल्ले बेर है ना, थे बेर गिर गए चक लो धो के फिर खा लो, तो पंजाबी की कहावत है ये, डुल्या बेरा ना कुछ नहीं बिगड़िया। अभी भी अगर मन ने तुम्हें धोखा दिया है कोई बात नहीं, मन बड़ा प्यारी चीज है, मन तुम्हारा साथी है, मन तुम्हारा बहुत बड़ी ताकत रखता है, मन तुम्हें कहीं का कहीं पहुंचा देगा। कब? जब तुम यहां से इसको ऊपर ले जाओगे। इसलिए तो बुल्ले शाह ने कहा, ओ बुल्लिया रब दा की पौना। जब वो उनके गुरु महाराज अनायतुल्ला जी वो राई थे, खेती बाड़ी सब्जी बेचा करते थे, तो वो उसको मानते नहीं थे, बुल्ले को अपना शिष्य नहीं बनाते थे, क्योंकि बुल्ला कट्टर मुसलमान था, बात समझ गए, लेकिन नहीं माने वो। बुल्ला उनके आगे नाचा भी, घुंघरू डालकर भी नाचता था, महाराज मुझे अपना शिष्य बना लो। तो एक दिन वो बुल्ला चला गया और अनायतुल्ला जी महाराज अपने खेत में प्याज की पनीरी इधर से उठाकर इधर लगा रहे थे। पनीरी लगाते हैं ना प्याज, पहले पटके ले आते फिर दूसरी तरह लगाते, तो वो प्याज इधर से ले आकर इधर ला रहे थे। तो बुल्ला फड़ लिया, उन्होंने महाराज कर दो दया, अच्छा बुल्ले देख रब दा की पौना, इधरों पट्टिया ते इधर लाना। फिर भी वो समझिया, फिर उसको समझाया, बुल्लिया मन को इधर से हटाना इधर लगाना, अंदर ही है ना, ये जमीन है, मन जमीन में उतरा हुआ है, इसको इधर जमीन में से इसको उतारा निकाला और इसको जरखे जमीन में डाल दिया, जो बढ़िया है उसमें डाल दिया, लो बात बन गई, बुल्ले भी सब कुछ मिल गया। क्या कहा मैंने? ये है अब भी संभल जाओ, कहते हैं दाता दयाल। फिर पढ़ो आगे जाने। अब संभल जाना मुझे विश्राम आठो या मुले,
किया राधा स्वामी नाम से दुख तनाशना तू कभी। अब वो कह दिया उन्होंने, बातों बातों में कह दिया, तूने क्या नाम जपना है। दाता दयाल जी कहते हैं वो नाम राधा स्वामी है, सबको दे दिया बिना किसी भेदभाव के, सबको दे दिया। पढ़ो फिर लाइन यही, राधा स्वामी किया राधा स्वामी नाम से दुख तनाशना तो कभी। बस राधा स्वामी, मैं कह देता हूँ आपको, बाबा फकीर जी महाराज क्या करते थे, तुम राम राम जपो कोई इतराज नहीं है, तुम हरे कृष्ण कहो कोई इतराज नहीं है, तुम अल्लाह कहो कोई फर्क नहीं पड़ता, वाहेगुरु का सिमरन करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो वर्णात्मक शब्द है ये मन को इकट्ठा करने के लिए है, इसमें किस बात का झगड़ा, कोई झगड़ा नहीं है। जो भी तुम्हें नाम प्यारा लगता है, जिसका तुम्हें संस्कार मिला हुआ है, उस नाम का सिमरन यहाँ किया करो, यहाँ किया करो, उससे तुम्हारी दुनिया अच्छी बनती जाएगी, तुम्हारा मन ठहर जाएगा, तुम्हारे की चिंता दूर होती रहेगी, तुम्हारी विल पावर बढ़ जाएगी, तुम्हें शांति मिलेगी, और क्या चाहिए संसारी लोगों के लिए। और उससे चल जाओगे आगे, ध्यान में चल जाओगे, गुरु का रूप देखो, तुम्हारा विवेक जाग जाएगा, तुम्हें दुनिया का पता लग जाएगा, ये अच्छा है ये बुरा, ये ठीक है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। क्या कहा मैंने, दो स्टेजेज हैं गृहस्थियों के लिए, सिमरन और ध्यान, आगे नहीं जाना। गृहस्थी अगर अगर जाएगा तो वो भटक जाएगा, अगर गुरु की आज्ञा में रह कर चलेगा तो ठीक रहेगा। क्या कहा मैंने, मुझे एक लड़के का फोन आया ऑस्ट्रेलिया से, कुछ दिन पहले की बात है, पहले उसकी पत्नी का फोन आया, बड़ी रोई वो, महाराज हमारा घर बर्बाद हो गया, पति ये नहीं करता वो नहीं करता वो नहीं करता। मैंने कहा नाम लिया हुआ जी महाराज, उन्होंने गुरु की जगह भी बता दी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम बड़े भाग्यशाली हो। उसके पति से मैंने बात की, महाराज दया करो। मैं कहा काली दया मांगना मेरे को दस, कौन सी दया चाहिए, तुम तेरा घर बर्बाद हो रहा है, तेरी पत्नी तुम्हें डाइवोर्स दे देगी, तू मस्त हो रहा है, मैं अंदर जाना चाहता हूँ महाराज। मैं कह रहे अंदर जाना चाहता हूँ, जेल से जाना अंदर से आना, मुझे अंदर बड़ा आनंद आता है। मैं कहा घर में आनंद नहीं, तेन आनंद कितों आ जाना। क्या कहा, मैं कहा बंदा बन जा, ये नाम जपना बंद कर, तू गुमराह हो गया है, गुमराह हो गया है, सिर्फ सिमरन कर और ध्यान कर गुरु का। और फिर मैंने उसको महाराज जी के एक सत्संग के चार भेज भेजे उसको ऑन टेलीफोन पर, ये पढ़ ये बाबा फकीर जी क्या कहते हैं, नाम जपने का मिलेगा क्या बेफिक्री, चिंता मुक्त हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, निर्वैर हो जाओगे, प्रेम में आ जाओगे, तब तो नाम का फायदा है। अगर गाड़ी बर्बाद हो गया, बच्चों को प्यार खत्म हो गया, तो इसी का नाम जपया। क्या कहा, कुत्ते धोपी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा तुम बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, तुम मेरे शिष्य नहीं हो, लेकिन अपने गुरु जी को टेलीफोन करके पूछो, मेरे साथ वो सहमत होंगे कि जो मैंने कहा ठीक कहा। कहा मैं कहा इसलिए बर्बाद हो रहे हैं नामधारी, जहर जहर मिल गया उनको, घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं। अरे जो कुछ है तुम्हारे अपने अंदर है, लेकिन तुमने अंदर किसको देखना है, सुख लेना है, आनंद लेना है, निश्चिंत होना है, चिंता मुक्त होना है, बेफिक्र होना है, निर्भय होना है, अडोल होना है, वो मिल गया तो और क्या चाहिए। फिर गुरु का नाम सिमरन करो, तुम्हारी जिंदगी खुशी से गुजर जाएगी, क्यों चक्कर में पड़े हुए हो तुम ऐसे। ये तो वो अगले मंजिल जो है उसके लिए फिर मैं कभी बोलूंगा, जो अगले मंजिल है वो किन के लिए है, वो उनके लिए है विषयों से जो हो उदासा, परमार्थ की जामन अस्सा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे गुरु जाकर, जा जिस पर दया आदि करता की भोजे नियामत पाए। दो ही चीजें हैं, जिस पर दया होती है
वो मालिक के कुल उसको उससे आगे ले जाता है, जा खुद उसका वैराग्य पैदा हो जाए कि मैंने सब कुछ देख लिया। ये थोड़ी लड़कियां ब्याह आ रही हैं तो बंदा अंदर कोठी च बढ़िया, मैं नाम जप रहा, उसका की फायदा होया, मेरी क्या कहानी है। औरत रो रही है और दे उसके नाम ने की करना, तो घर बर्बाद हो गया। मैंने उसको एक सवाल किया, मैं कहा अगर तू यही हाल रहा तेरी पत्नी तुम्हें डिवोर्स दे देगी, फिर कहाँ जाएगा बता। चुप हो गया, बता मुझे, फिर रोटी मांग के खाएगा। गलत है, अरे घरों में स्वर्ग बनाओ तब तुम राधा स्वामी कहलाओगे। अगर नफरत है तुम्हारे अंदर, भय है तुम्हारे अंदर, चिंता है तुम्हारे अंदर, तुम राधा स्वामी अभी नहीं बने। क्या कहा मैंने, आप अच्छा मानो चाहे बुरा मानो, अमरीक सेव के कहता मैं आप सुखी रहो। आखिरी लाइन है, हाँ जी, कि और लाइन भी है, बस इसी लाइन को फिर पढ़ दे। अब संभल जाना मुने विश्राम ठोया मुले, बस जब फ्री फ्री हो जाओ, जब भी फ्री हो जाओ, ये नहीं मैं कहता कि हर वक्त, पहले काम। बाबा फकीर जी महाराज ने कहा सुबह शाम राम नाम, दिन को काम रात को राम। सुबह शाम पांच मिनट उधर बैठ गए, पांच मिनट शाम को बैठ गए, अपने गुरु को याद किया, पांच मिनट सिमरन कर लिया, ध्यान कर लिया, तुम्हारे काम होते रहेंगे। इससे ज्यादा और क्या मैं कहूँ आपको, तुम उसके हो जाओ वो तुम्हारा हो जाएगा। बस जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो, तुम मन लो वो है, वो है, वो है, वो गुरु के रूप में आया, तुम्हें रास्ता बता दिया, चलना तुमने है, तुम्हारी मर्जी है। मेरी मर्जी तो ये है कि तुम सुखी हो जाओ, मेरी मर्जी ये है कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए, मेरी मर्जी है कि तुम्हारी चिंता खत्म हो जाए, तुम्हारे घर स्वर्ग बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।